जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान ऑन एयर पे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदी या मराठी में टाइप करना चाहते हैं तो हमको वो आता नहीं है, क्योंकि हमारे वो बहुत हार्ड जाता है। जब हम किसी कोई कस्टम कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं तो हमें वो हार्ड जाता है बहुत। तो आज हम ऐसा कीबोर्ड देखेंगे कि जो आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो वो वहाँ पे आपको हिंदी या मराठी में आउटपुट देगा। मतलब आपको सिंपल से इंग्लिश में टाइप करना है स्पेलिंग, और वहाँ पे मराठी में टाइप होगा या हिंदी में टाइप होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इंग्लिश कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ और वहाँ पर वो मराठी में टाइप हो रहा है। मतलब जी हाँ, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश में टाइप करना है। तो आप ये कैसे करेंगे आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आप जाकर टाइप कीजिए गूगल इंडिक कीबोर्ड। देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा। ये देखिए पहला ही आ गया है, गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो इसे आपको इंस्टॉल करना है। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, कुछ 21 MB का ऐप है। अभी ये इंस्टॉल हो गया, देखिए अभी ये इंस्टॉल उसकी प्रोसेस शुरू है। अब इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप को ओपन कीजिए। यहाँ पे ओपन, मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है। अभी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि एनेबल सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आपको जी बोर्ड और गूगल इंडिक कीबोर्ड ये दोनों ऑप्शन को क्लिक करना है। ये आपको वार्निंग देगा, वो क्लिक कर देना है आपको। फिर सिलेक्ट इनपुट मेथड, तो यहाँ पे आपको गूगल इंडिक लैंग्वेज करना है, इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज। और सेट परमिशन, अलाउ, एक्सेप्ट एंड रेडी। यहाँ आप कीबोर्ड का कलर चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वाइट कीबोर्ड ले लेता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो लीजिए। अब यहाँ पे आपको वो सेटिंग पूछेगा, तो सिंपल से आपका यहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो कीबोर्ड आ गए हैं, एक इंग्लिश में है और दूसरा वहाँ पे एक तमिल का कुछ तो भी लैंग्वेज है। तो आपको उस लैंग्वेज पे सिंपल से क्लिक करना है स्टार्टअप से पहले। देखिए यहाँ पे अभी मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, तो आपको पहले क्या करना है, वो ऑप्शन पे क्लिक करके हिंदी लैंग्वेज चूज़ करनी है। हिंदी आप कौन से भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी मराठी, ओके कर देना है आपको। फिर उसके बाद में लैंग्वेज सेलेक्ट करके, और फिर यहाँ पे आपको पहला कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। वहाँ पे दिखा है लिखे, और उसका देखिए हिंदी में बना हुआ है लिखे। तो आपको पहला जो कीबोर्ड है उसे सिलेक्ट करना है। देखिए उसके बाद आपको दो कीबोर्ड आ जाएंगे, एक इंग्लिश और एक मराठी। तो देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ भारत, तो वहाँ ऊपर वो मराठी में टाइप हो गया है भारत। तो इसी तरह आप कुछ भी इंग्लिश में टाइप कीजिए तो अपने आप वहाँ पे हिंदी या मराठी में टाइप हो जाएगा। आपको कुछ कस्टम कीबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है या कुछ नहीं। मतलब देखिए ना, इस पर आप कुछ कीबोर्ड लेते हैं जो जिसपे आपको अलग अलग अक्षर रहते हैं, फिर आपको अल्फ़ाबेट चूज़ करने होते हैं। यहाँ पे सिंपल से आप बस आपको स्पेलिंग आना है, आप स्पेलिंग टाइप कीजिए और आपको वहाँ पे वो उसका मराठी या हिंदी आउटपुट आपको दे देगा। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ महाराष्ट्र मुंबई नागपुर, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में उनका स्पेलिंग टाइप किया, वहाँ पे वो हिंदी में आ गया। तो दोस्तों यही थी सिंपल सी टेक्निक। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।